बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जनाब वेलकम बैक रस्ट एम्बेडेड के कोर्स में। और आज हम गो थ्रू करेंगे, आज और आने वाले कुछ और लेक्चर्स में, जो रस्ट की एम्बेडेड डिस्कवरी की ऑफिशियल बुक है, इस बुक का चैप्टर नंबर 3, जो कि डील करता है सेटिंग अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस कोर्स में हम रस्ट की एम्बेडेड प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जो रस्ट की तरफ से उनकी ऑफिशियल एम्बेडेड डिस्कवरी बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं, जो कि अवेलेबल है tinyurl.com/rdisbook के ऊपर। आप इस URL पे जाएं तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा जो रस्ट की ऑफिशियल एम्बेडेड डिस्कवरी बुक है उसके पेज पे। इस कोर्स में दिए गए तमाम कंटेंट्स उसी बुक को फॉलो करेंगे और वो बुक और उसके अंदर मौजूद डाटा जो है वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के थ्रू शेयर किया गया। तो आज और मजीद अगले वाले कुछ लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम ये अपनी एम्बेडेड की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सारा अपना डेवलपमेंट वाला एनवायरनमेंट कैसे सेट कर सकते हैं। लेकिन आगे प्रोसीड होने से पहले अगर लास्ट 2 लेक्चर्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप प्लीज़ पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। जी ओके, थैंक यू फॉर क्वेश्चंस। हम चलते हैं आगे। सो जैसा कि हमने देखा कि माइक्रोकंट्रोलर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या फायदे हैं, क्या कौन सी जगह ऐसी हैं जहां पे माइक्रोकंट्रोलर बहुत सूटमन साबित होते हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर का यूजेज हमारे लिए ज़्यादा सूटमंद नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ हमने डिटेल में पहले और दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। तो हमने देखा कि जो माइक्रो कंट्रोलर हैं वो जैसा कि बताया गया कि SoC होते हैं, सिस्टम ऑन चिप होते हैं, और उनका आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट है कंप्यूटर से। तो अब क्या होगा कि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग तो हम अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में ही कर रहे होंगे, लेकिन अब उस प्रोग्राम ने जाके चलना कहाँ पे है, एक अलग डिवाइस पे जाके चलना है जो कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। और अगर हमें इस प्रोग्राम को डीबग करना है, डीबग क्या होता है कि अपने प्रोग्राम में से बग्स किसी कीड़े को, किसी तरह चूंटियाँ और इस तरह के दूसरे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो बेसिकली डीबग करने का मतलब है कि अपने प्रोग्राम में से इश्यूज को निकालना जो कि आपके प्रोग्राम को सही फंक्शन ना करने दे रहे हों, सही तरह से काम ना करने दे रहे हों। तो जाहिर है हम अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हो सकता है हमसे कुछ गलतियां भी हो जाएं, और गलतियां हो जाएं, कोई लॉजिकल एरर कोई अगर उसमें रह गया हो तो उसको हमने आइडेंटिफाई भी करना है, देखना है प्रोग्राम सही फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें डिबगिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन डिबगिंग के लिए फिर हमें रिमोट डिबगिंग पे जाना पड़ेगा। रिमोट इसलिए कि प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर पर चल नहीं रहा होगा, प्रोग्राम तो हमने कर लिया कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन जब उसको चलाएंगे तो वो तो जाके चल रहा होगा माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर। तो हमने कोई ऐसा मेथड भी देखना है कि हम माइक्रो कंट्रोलर पे चलते हुए प्रोग्राम को डीबग कर सकें। ठीक है, फिर अब चूंकि माइक्रो कंट्रोलर ऑल टुगेदर एक बिल्कुल ही डिफरेंट दुनिया है, तो उनके लिए हमें जिस चीज की कदम कदम पे जरूरत पड़ती रहेगी वो है डॉक्यूमेंटेशन और एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए कि माइक्रो कंट्रोलर बहुत सी तरह के हैं, बहुत सी किस्मों के हैं, बहुत सी पावर्स के साथ आते हैं। कंप्यूटर जो है ना कमोबेश सभी सेम तरह के होते हैं, तो इसलिए जब हम एक कंप्यूटर यूज करना सीख जाते हैं तो हमें कोई और कंप्यूटर पकड़ा दिया जाए तो हमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर का क्या होता है कि एक
पहले तो डिफरेंट कंपनीज होंगी जो माइक्रो कंट्रोलर प्रोड्यूस कर रही हैं, फिर डिफरेंट आर्किटेक्चर्स होंगे। लाइक अब हम पहले 10 कंपनीज हैं, 10 कंपनीज में से अगर हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस कंपनी की अंदर फिर डिफरेंट फैमिलीज होंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर होंगे, कुछ 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर होंगे, कुछ 32 बिट होंगे, कुछ 64 बिट होंगे। ओके फाइन, अगर हम फैमिली सेलेक्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं ओके फाइन हम 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर फैमिली पे जा रहे हैं, तो फिर उसके अंदर डिफरेंट तरह की कैटेगराइजेशन होंगी। कुछ 16 बिट में हाई एंड कैपेबिलिटी वाले माइक्रो कंट्रोलर होंगे, कुछ मीडियम एंड वाले होंगे, कुछ लो एंड वाले होंगे। तो फिर लो एंड में चले जाएं तो फिर कुछ ऑप्टिमाइज होंगे, फॉर एग्जांपल ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए कुछ होंगे, कंप्यूटेशन के लिए कुछ होंगे, रोएम के लिए कुछ होंगे जो ज़्यादा कंपैटिबल हैं विद डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो मतलब कहने का ये है कि आपको बेतहाशा माइक्रो कंट्रोलर्स मिलेंगे और हर माइक्रो कंट्रोलर में कुछ ना कुछ फर्क होगा। तो अब काम करने का तरीका तो सेम होगा, लैंग्वेज भी सेम होगी, लेकिन आप काम कर रहे होंगे ना, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे किसी माइक्रो कंट्रोलर के लिए, तो आपके जहन में आपका टारगेट माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, जिस डिवाइस के लिए बना रहा हूँ, उस डिवाइस ने नंबर एक तो ये करना क्या है, ठीक है? क्योंकि जाहिर है आपको पता होगा कि क्या करना है, तभी आप वो काम प्रोग्राम करेंगे ना। और साथ आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि ओके इस काम के लिए मेरी हार्डवेयर रिसोर्स रिक्वायरमेंट इतनी 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 है, और मैं इस माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर इस वाले प्रोग्राम को प्रोग्राम करूंगा और उसको फिर आगे अपनी डिवाइस में लगाऊंगा, ठीक है? ये चीजें आपको पहले से डिसाइड करनी पड़ती हैं, देन फिर आप आगे चलते हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर की एग्जाम्पल लें, तो हम कंप्यूटर में क्या करते हैं कि कंप्यूटर में हम अपना OS देखते, हम कहते हैं कि यार ये जो प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ ये लिनक्स पे चल रहा है या विंडोज पे चल रहा है, ठीक है? तो फिर उसके हिसाब से हम प्रोग्राम करते हैं, उससे रेलेवेंट लैंग्वेज वगैरह में प्रोग्राम करते हैं, ठीक है? क्यों? कि जो हमारी आउटपुट एक्सी बनती है ना, वो आर्किटेक्चर या लाइक OS डिपेंडेंट होती है। तो नेटिवली यानी कि बिल्कुल सीधी फॉर्म में आप सी के लिए बनाया हुआ प्रोग्राम विंडो में नहीं चला पाएंगे, और विंडो के लिए बनाया हुआ प्रोग्राम फिर लिनक्स में नहीं चला पाएंगे, ठीक है? यानी कि जो प्रोग्राम आपने लिनक्स के लिए बनाया वो विंडो में वैसे नहीं चलेगा, कुछ थोड़ी सी आगे पीछे की जुगाड़ करनी पड़ती है, कोई कन्वर्टर ट्रांसलेटर्स या कह लें काइंड ऑफ वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट यूज करनी पड़ती है, देन वो चल जाएगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं चलेगा, बिकॉज उसकी जो कंपाइलेशन हुई हुई है, उसकी जो कन्वर्जन हुई हुई है ना, वो लिनक्स को सामने रखते हुए हुई हुई है, तो वो लिनक्स की API को कॉल कर रहा होता है। तो अगर आप उसको विंडो पे चलाएंगे तो वो तो वहाँ पे जाके वो लिनक्स की API को कॉल करेगा, जब कॉल करेगा तो आगे तो विंडो बैठी हुई है, विंडो में तो वो API मौजूद ही नहीं होंगी, तो वो फिर एरर आ जाएगा। तो इसी तरह से जब आप माइक्रो कंट्रोलर के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, तो आपके जहन में आर्किटेक्चर होगा कि मैं किस माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ, उसकी रैम कितनी है, उसकी प्रोसेसिंग पावर कितनी है, मैंने इसके साइकिल्स को कैसे मैनेज करना है, वगैरह वगैरह। तो जो माइक्रो कंट्रोलर आपने सेलेक्ट किया होगा ना, फिर उस माइक्रो कंट्रोलर की डॉक्यूमेंटेशन की आपको जरूरत पड़ेगी कि वो आपके पास अवेलेबल हो, ताकि आपने देखना हो कि इसके लाइक मेमोरी के एड्रेसेस कहाँ से शुरू होते हैं, रेंज कहाँ तक है, तो आप फौरन वो डॉक्यूमेंटेशन खोले, उसको कहते हैं डेटा शीट। तो डेटा शीट खोले उस माइक्रो कंट्रोलर की और उसमें से डिटेल्स देख लें और उसके मुताबिक अपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। फिर आपको बीच में कोई रेफरेंस चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्लॉप पिन पे डाटा भेजना है या फ्लॉप पिन से रीडिंग लेनी है, तो उस पिन की क्या स्पेसिफिकेशन है, तो आप वो डॉक्यूमेंटेशन डेटा शीट खोलेंगे, वहां से देख लेंगे, ठीक है? उस पिन का एड्रेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन खोलेंगे, वहां से देख लेंगे, इस तरह से। तो डॉक्यूमेंटेशन की रेलेवेंट माइक्रो कंट्रोलर की आपको कदम कदम पे जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इस पिछले वाले लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस किया था कि इस कोर्स में आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हमने देखा था कि हमने STM32F3 डिस्कवरी बोर्ड के ऊपर ये पूरा कोर्स गुजारना है। तो STM32F3 डिस्कवरी बोर्ड की डॉक्यूमेंटेशन हमें रिक्वायर्ड होगी, ठीक है? और ये जो आपके सामने लिंक्स नजर आ रही हैं,
ये डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दैट STM32F3 डिस्कवरी बोर्ड है। इसमें यूजर मैनुअल है, इसकी डेटा शीट है, इसका रेफरेंस मैनुअल है और इसके अंदर जो ICs लगी होती हैं उनकी डेटा शीट्स। ठीक है, तो ये सारी डेटा शीट आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए और फिर हम ग्रेजुअली गाहे बगाहे इनको खोल कर रेफरेंस देखेंगे, भी गेम डेटा शीट को खोल कर इसमें से रिक्वायर्ड डेटा कैसे पढ़ते हैं जहाँ जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट फील होती है। तो ये जो जब आप प्रोफेशनल काम कर रहे होंगे तो जिस माइक्रो कंट्रोलर के लिए आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी, और इस कोर्स के दौरान आपको STM32F3 डिस्कवरी बोर्ड की डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपके सामने ये पांच फाइल्स नजर आ रही हैं, पांच फाइल्स के लिंक हैं, ये आपके पास रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए, तो इनको आप डाउनलोड कर लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो हम टूल्स यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे रस्ट, जाहिर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि उसी के ऊपर हमारा अगला सारा कोर्स चल रहा होगा। उसके बाद ITM डंप, फिर OpenOCD। ये सारे टूल्स हैं, क्या करते हैं, इनकी डिटेल क्या है, ग्रेजुअली हम आके डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक डिबगर, और फिर कार्गो बिन यूटिलिटीज, और उसके बाद मिनीकॉम लिनक्स के ऊपर या मैक के ऊपर, और पुटी है विंडोज के लिए। ठीक है, तो ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे टूल्स के हवाले से। ये वो तमाम प्रोग्राम्स हैं जिनसे, या वो यूटिलिटीज हैं जिनसे हमारा अब आगे वास्ता पड़ता रहेगा। क्या है सब कुछ डिटेल अभी आराम से आगे आ जाएंगे। इसके अलावा अगर तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी है, या अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, ब्लूटूथ की वो कनेक्शन के हवाले से USB टाइप के वो कार्ड्स मिल जाते हैं, वो पाकिस्तान में इतने महंगे भी नहीं है, कोई 300 रुपये का शायद कार्ड होता है वो अलग USB के वाला, जो कि अगर आपके कंप्यूटर में ब्लूटूथ कैपेबिलिटी नहीं है तो वो आप USB कार्ड लगाएं तो वो उसके थ्रू आप जो है ब्लूटूथ की कैपेबिलिटी अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं, लैपटॉप में जो वैसे वूमन होती है। तो अगर आप ब्लूटूथ की कैपेबिलिटी के हामिल हैं कंप्यूटर साइट पे, और आप कम्युनिकेशन ओवर द ब्लूटूथ करके अपने माइक्रो कंट्रोलर से कुछ करना चाह रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि शायद चैप्टर नंबर 12 या 13 में ब्लूटूथ का एक मॉड्यूल के ऊपर पूरी प्रोग्रामिंग आती है, तो ऐसी सूरत में आपको लिनक्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें ब्लूमैन, ब्लूज, HCI टूल, RFCOM या RFKill, इनमें से कोई ना कोई ब्लूटूथ मैनेजर एप्लीकेशन आपको तो रिक्वायर्ड होगी, इंस्टॉल हुई हो। और अगर आप विंडोज के ऊपर या मैक OS पे हैं तो उसके लिए उसका जो डिफॉल्ट OS का अपना ब्लूटूथ मैनेजर होता है ना, वही एनफ है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है विंडोज या मैक OS के केस में। लिनक्स में सबसे पहले तो आप चेक कर लें कि अगर आपके पास ब्लूमैन ऐप इंस्टॉल है ब्लूटूथ मैनेजर, तो वेरी वेल एंड गुड। अदरवाइज आप ब्लूमैन इंस्टॉल कर लें, ब्लूज इंस्टॉल कर लें, HCI टूल्स इंस्टॉल कर लें, RFCOM कर लें या RFKill कर लें, इनमें से कोई भी कि आप ब्लूटूथ मैनेजर ऐप इंस्टॉल कर लें, तो दैट विल बी एनफ फॉर यू टू प्रोसीड फॉर चैप्टर नंबर 13 और 12। अच्छा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग इस कोर्स में लिनक्स के ऊपर फोकस करेंगे, हमारी सारी प्रोग्रामिंग असाइनमेंट सब कुछ जो है लिनक्स के ऊपर होगा। तो अगर तो आप ऑलरेडी लिनक्स के ऊपर हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है लाइक कोई विंडोज वगैरह यूज कर रहे हैं और आप कहते हैं कि नहीं यार अभी कोर्स आ गया तो इसके लिए मैं अपने बेस OS को लिनक्स में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो दैट इज मोर देन गुड। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास लिनक्स नहीं भी है और मैं लिनक्स पे मूव भी नहीं होना चाह रहा, तो जनाब फिक्र मत कीजिए, हम फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और ना ही आपको वहां रहने देंगे जहां पे आप हैं, बल्कि हम आपको इन बिटवीन ले आएंगे। हम क्या करेंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लिनक्स को
वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट में यूज करना शुरू करते हैं, जहां पे आपकी बेस मशीन विंडोज ही की रहेगी, लेकिन उस विंडोज के अंदर आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके उस पे लिनक्स इस्तेमाल करते रहेंगे। उससे क्या होगा कि विंडोज से रिलेटेड एरर वगैरह जो हैं वो हमें फेस नहीं करने पड़ेंगे, आपकी बेस मशीन विंडोज पे ही रहेगी और काम करते हुए आप लिनक्स के ऊपर आरजी दो पर शिफ्ट हो जाए करें। तो हमारे पास दो काइंड ऑफ एस्पेक्ट मेनली चल रहे होंगे, या तो आपकी बेस मशीन पे लिनक्स है तब तो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप बेस मशीन पे विंडोज ही रखना चाहते हैं तो फिर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट पे मूव हो जाएंगे। और उसमें होगा कि आप जनरल अपने जो कंप्यूटर यूजेज कर रहे होंगे, लैपटॉप यूजेज कर रहे होंगे, तो अपनी वो जो भी बेस विंडोज चल रही है उसी को यूज करते रहेंगे, और जब आपने इस कोर्स के हवाले से कुछ असाइनमेंट्स को प्रैक्टिस करनी होगी तो देन अपनी वर्चुअल इन्वायरमेंट में मूव करके वहां पे आप लिनक्स को यूज करते हुए ये सारे काम कर लिया करेंगे। लेकिन उसके साथ फिर एक रिक्वायरमेंट है, चूंकि अब आपके कंप्यूटर के ऊपर एक तो मेन फिजिकल इन्वायरमेंट चल रहा होगा और देन वर्चुअल इन्वायरमेंट चल रहा होगा, तो इस सूरत हाल से नबर्द आजमा होने के लिए एफिशिएंटली फिर एटलीस्ट आपकी कंप्यूटर की रैम 4 GB या 4 GB से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? इससे कम पे फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों? जब वर्चुअल इन्वायरमेंट चलाएंगे तो उसकी अपनी रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती है, तो होगा ये कि जब आप काम कर रहे होंगे तो आपके कंप्यूटर में दो दो OS चल रहे होंगे, पहले विंडो चल रही होगी और देन फिर लिनक्स भी चल रहा होगा। ऐसी सूरत हाल में आपका गुजारा कम रैम से नहीं होगा, ऐसी सूरत में ऐसे तमाम लोग जो कि 4 GB से कम रैम रखते हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो लोग अपने बेस OS को ही लिनक्स पे शिफ्ट कर दें। और ऐसे लोग जिनकी 4 GB एंड अबव है वो भी अगर बेस OS को लिनक्स पे शिफ्ट कर लें तो वो उनको बड़ा फायदा होगा, नो डाउट। लेकिन स्टिल अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम बेस OS विंडोज पे ही रहें, तो ऐसी सूरत हाल में वो कर वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला सीन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे वो भी हम देख लेंगे। तो जनाब हमारा अब ये जो आगे सेटिंग अप द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का सिनेरियो है ये कुछ इस तरह से रहेगा कि हम सबसे पहले तो एक वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है वर्चुअल बॉक्स। ये उन लोगों के लिए स्टेप होगा जो लोग अपना बेस OS विंडोज रखना चाह रहे हैं और वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में जाना चाह रहे हैं, ठीक है? ये स्टेप सिर्फ उन लोगों के लिए, जो लोग बेस OS जिनका ऑलरेडी लिनक्स है, सॉरी जिनका ऑलरेडी लिनक्स नहीं है बल्कि जो ऑलरेडी लिनक्स पे नहीं है और जाना चाह रहे हैं लिनक्स के ऊपर, वो स्टेप 2 से स्टार्ट लें। लेकिन ऐसे लोग जो बेस OS विंडोज पे हैं और विंडोज को मेंटेन रखना चाह रहे हैं और वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये पहला वाला स्टेप होगा कि वो इंस्टॉल करेंगे वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर वर्चुअल बॉक्स। फिर उसके बाद सेकंड नंबर वाला जो हमारा थीम होगा वो उन लोगों के लिए होगा जिनका बेस OS लाइक विंडोज है और वो बेस OS को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं लिनक्स में, तो वो हमें पार्ट 2 से या स्टेप नंबर 2 से ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे लोग जो स्टेप नंबर 1 करके आएंगे वो क्या करेंगे कि वो अपने उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, और जो लोग लिनक्स पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, बेस OS ही शिफ्ट करना चाह रहे हैं, वो हमें डायरेक्ट यहाँ इंस्टॉल लिनक्स वाले ऑप्शन में ज्वाइन करेंगे। अब एट द एंड क्या होगा सेकेंड स्टेप के एंड में, कि हमारे पास कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका बेस OS होगा विंडोज पे और उसमें उन्होंने वर्चुअल मशीन बनाई होगी जिसके ऊपर उन्होंने लिनक्स इंस्टॉल की हुई होगी, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपना बेस OS ही कन्वर्ट कर दिया होगा लिनक्स को। यहाँ पे अब वो दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों के पास लिनक्स अवेलेबल होगी। यहाँ फिर हम थर्ड स्टेप पे प्रोसीड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे रस्ट को, बिकॉज रस्ट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द एम्बेडेड प्रोग्रामिंग जो हमारे इस कोर्स के हवाले से। और ऐसे तमाम लोग जिनके पास ऑलरेडी रस्ट इंस्टॉल हुई भी है, यानी कि वो लोग जो हमारा ऑलरेडी जो पिछला इंट्रोडक्शन टू रस्ट प्रोग्रामिंग का कोर्स है वो गो थ्रू कर चुके हैं, तो सारे उनके पास रस्ट अवेलेबल होगी, तो उनके लिए थर्ड वाला स्टेप भी ऑप्शनल है। वो हमें डायरेक्ट फिर फोर्थ स्टेप पे ज्वाइन करेंगे कि जब हमारे पास लिनक्स के ऊपर
रस्ट इंस्टॉल हो चुकी होगी, तो देन फिर हम रस्ट एम्बेडेड के हवाले से जो भी हमने पिछली स्लाइड में टूल सीखे थे ना काफी सारे, वो आईटीएम डंप और ओपन ओसीडी वगैरह वगैरह, वो फिर हम फोर्थ स्टेप में इंस्टॉल करेंगे और अपने कंप्यूटर को एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के ऊपर वर्क करने का कैपेबल बनाएंगे। ठीक हो गया, तो ये चार हमारे इंस्टॉलेशन के हवाले से जो हैं वो स्टेप्स होंगे। और चूंकि ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करेंगे, तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा सीरीज ऑफ लेक्चर्स के ऊपर। ठीक है, तो आप यूं समझ लें कि चैप्टर नंबर 3 के ऊपर हमारे 2 से 3 लेक्चर्स हो जाएंगे, जिसमें हम इन सब स्टेप्स को प्रैक्टिकली गो थ्रू करेंगे, ताकि किसी को भी अगर कोई किसी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है तो वो प्रैक्टिकली देख ले कि ये काम सारे के सारे कैसे हो रहे होंगे। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज ये लेक्चर हम यहाँ एंड करते हैं और फिर हम अपने नए लेक्चर में आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, जिसके अंदर हम वर्चुअलाइजेशन को डिस्कस करके उसके बाद वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके एक नई वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट की जाती है, इन सारे स्टेप्स को गो थ्रू करेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम एक ब्रेक के बाद दोबारा से ज्वाइन करेंगे अपने इस सेटिंग अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के सफर को। तो प्लीज अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए।